नमस्कार दोस्तों, गूगल डूडल में आज वेरा गेट्रॉइड का 151वां जन्मदिन मनाया जा गया है। वेरा गेट्रॉइड रूस में पहली ई सैन्य सर्जन थी और दुनिया की पहली महिला प्रोफेसर थी। रूसी सर्जन, प्रोफेसर, कवि और लेखक डॉक्टर वेरा गेट्रॉइड, जिन्होंने अपना निडर सेवा के माध्यम से अनगिनत जीवन बचाए और युद्ध चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार किया। वेरा गेट्रॉइड का जन्म 19 अप्रैल 1870 में कोक्यू में हुआ था, जो तब रूस साम्राज्य का हिस्सा था। अपनी दिवंगत की किशोरावस्था में उन्होंने स्विट्जरलैंड में दवा का अध्ययन करने के लिए रूस छोड़ दिया। डॉक्टर गेट्रॉइड 20वीं शताब्दी के अंत में घर लौटे और उन्होंने जल्द ही एक फैक्ट्री अस्पताल में सर्जन के रूप में अपनी अग्रणी मेडिकल करियर की शुरुआत की। 1904 में जब रूसो जापानी युद्ध शुरू हुआ तो डॉक्टर गेट्रॉइड रेड क्रॉस अस्पताल ट्रेन में एक सर्जन के रूप में स्वेच्छा से भाग लिया। अपनी युद्ध सेवा के बाद डॉक्टर गेट्रॉइड ने रूसी शाही परिवार के लिए एक सर्जन के रूप में काम किया। जब वह अपने घर लौटी, इसके पहले वह 1929 में कीव विश्वविद्यालय में सर्जरी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई। उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में अपने समय के दौरान पोषण और सर्जिकल उपचार पर कई चिकित्सा पत्र लिखे, लेकिन एक लेखक के रूप में उनकी प्रतिभा शिक्षाविदों तक सीमित नहीं थी। डॉक्टर गेट्रॉइड ने 1931 में संस्करण सहित कई कविताएं के कई संग्रह प्रकाशित किए, जिसमें से केवल एक जीवन शीर्षक से समर्पण शामिल है, जिन्होंने उनकी व्यक्तिगत यात्रा की कहानी को बताया है, जिसके कारण 1904 में सामने की तर्ज पर सेवा की गई। चिकित्सा की दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि आपके खिलाफ खड़ी बाधाओं के साथ, मेरा गेट्रॉइड आपका बहुत धन्यवाद।